हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल AR कैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये कह रहा हूँ कुत्तों के होने वाले टिक्स की प्रॉब्लम। दोस्तों, जिसे हम आम भाषा में चिचड़ भी बोलते हैं। दोस्तों, ये दोस्तों बहुत से कारणों से हमारे डॉग के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि हम खेतीबाड़ी से संबंध रखने वाले लोग हैं और दोस्तों हमारे पास गाय भैंस भी रखते हैं हम दोस्तों, और डॉग को रखवाली के लिए ज्यादा इसे हम अपने घर पे रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी भैंसों के लगे होते हैं, जो चिचड़ लगे होते हैं, वो हमारी हमारे कुत्ते के लग जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे डॉग को टिक्स फीवर हो जाता है। और दोस्तों, ये हमारे डॉग के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है दोस्तों। और दोस्तों, यदि हम इसे जल्दी से ठीक ना करें तो दोस्तों इसके इतने ज्यादा दुष्प्रभाव है दोस्तों, इससे हमारा डॉग इतना बीमार हो जाएगा कि उसे हमें ठीक करने के लिए कम से कम 5 से 6 हजार रुपए लग जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं इन टिक्स से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही सरल और बचत घरेलू नुस्खा लेकर आ गया हूँ दोस्तों। आपको 4 से 5 नींबू लेने हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो। आप हरे भी ले सकते हैं, पीले भी ले सकते हैं दोस्तों। और आपको लेने हैं 4 मग पानी के, आधे लीटर वाले, और उन्हें किसी बर्तन में डालकर अच्छे से उबाल लेना है, जिससे कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाए और उसके अंदर से भाप निकलना शुरू हो जाए दोस्तों। और फिर उस नींबू को जिसके हमें काटा है, उस नींबू को हमें उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे से उबालना है दोस्तों। उबालने के बाद जो जो कि हमने 4 मग पानी के डाले थे, उसमें से 1 मग पानी का बचे तो दोस्तों हमें उन्हें एक ही, आपको स्क्रीन के ऊपर एक बोतल दिख रही होगी, इस बोतल को लेके आना है दोस्तों, और ये बाजार से हमें परचेज करनी होगी दोस्तों। और ये ज्यादा रुपए की नहीं आती दोस्तों, ये 60 से 70 रुपए की आती है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप इसका ऊपर ऊपर वाला भाग लेके आते हो तो ये आपको 10 या 20 रुपए मिल जाएगा। और आप दोस्तों, जैसे कि हमारे घर पे खाली बोतल मिल जाती है तो उसके ऊपर हमें ये लगा लेना है और उसके अंदर ये डाल के, जैसे जाबर भी कुत्ते डॉग के वो रखा है कि जहां पर ये चिचड़ लगे हुए हैं या टिक्स लगे हुए हैं वहां पर उसे स्प्रे कर देना है। जहां पर जैसे कि यहाँ पर स्प्रे है तो यहाँ पर स्प्रे मार देना है, जिससे कि ये टिक्स है ये सुबह तक सारा उतर कर नीचे निकल जाएगा। और दोस्तों, ये मैं आपके लिए एक और इलाज लेके आ गया, सरल और बेस्ट उपाय दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों, और जिस भाई को भी जरूरत उसके पास जरूर ये वीडियो पहुंचाएं दोस्तों। और दूसरा उपाय दोस्तों, आपको लेके आना है नीम ऑयल। नीम ऑयल घर पर मिल जाता है या आपको कहीं भी पंसारी दुकान पर मिल जाएगा दोस्तों। और आपको उसके साथ लेना है नारियल का तेल या बादाम का तेल, आप लेकर उसके अंदर मिला सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर मिलाने के बाद दोस्तों, उन दोनों को मिलाने के बाद वो थोड़ा पतला हो जाएगा दोस्तों। तो उसे आप जहां पर भी टिक्स लगे हुए हैं वहां पर थोड़ा सा लग उसके माउथ के आसपास में लगा देना है, जिससे कि वो टिक्स के पास लग जाए और वह उसे शाम तक छोड़ देगा। जैसे आपने उसे दोपहर में लगाया तो शाम तक उसे छोड़ देगा दोस्तों। यदि अब कई लोग क्या करते हैं, उस टिक्स को पकड़कर निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो भिजने के बाद वो टिक्स अपने अंदर से लार्वा छोड़ देता है दोस्तों, और वो लार्वा हमारे डॉग्स के ऊपर अंदर ही चला जाता है दोस्तों। और इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे डॉग के अंदर जाने से हमारे डॉग बीमार हो जाता है दोस्तों। हम सोचते हैं कि हमारे डॉग के 3 से 4 टिक्स थे और हमारे डॉग बीमार कैसे हो गए दोस्तों, पर ये दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कारण है कि जो उसके अंदर यदि हम उसे भिजेंगे नहीं तो लार्वा नहीं निकलेगा, और लार्वा नहीं निकलेगा तो बीमार भी होगा। तो दोस्तों, हमें करना क्या होगा कि हमें उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो नीम ऑयल आपको हमने बताया है वो उसके ऊपर डाल देना है, जिससे कि वो सारे के सारे टिक्स ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएंगे, जड़ के नीचे बढ़ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक तीसरा उपाय है दोस्तों, बहुत ही आसान, ज्यादा नोच रहा है या जहां पर टिक्स लगे हुए हैं दोस्तों, तो उसका तीसरा उपाय दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है, जो कि हमें तीन दोनों चीज नहीं मिलने के ऊपर हम ये कर सकते हैं दोस्तों। हमारे घर पर माउथ फ्रेश मिल जाएगा दोस्तों, माउथ फ्रेश है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। इसे क्या करना है आपको दोस्तों, कि वो एक कपड़े में थोड़ा सा भिगो लेना है, जैसे सूती कपड़े में भिगो लिया, तो उसको भिगोने के बाद आपको दोस्तों जहां पर भी टिक्स है तो उसके साइड में लगा देना है, उसके ऊपर लगा देना है, जिससे क्या होगा कि उसको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। कुत्ते को बहुत ज्यादा
आराम मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे हमें 5 से 7 दिन करना है दोस्तों, इसमें हमारा डॉग बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। आप देखोगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिद्ध होगी दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए क्योंकि डॉग के जुड़ी सारी परेशानियों के ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमें इस वीडियो के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं दोस्तों, ये भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।